ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मैं बचपन से दादी के साथ रही। दादी ने हर एक चीज़ सिखाई हमको, हर कला सिखाई, व्यवहार सिखाया, स्थूल भी सूक्ष्म भी हर तरह से ट्रेंड किया। तो ये मौका दादी के साथ रहने का मुझे मिला और व्यवहारिक रूप में भी बताया। जैसे एक बार हमारे पास एक भाई आता था और वो डिफेंस में सर्विस करता था, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम नहीं लेता था। टाइम पर आए, कभी बिना टाइम आए, कभी कैसे आए, तो हम और आके क्लास में लेट जाए, कभी गीत गाए, कभी कुछ करे, मना कुछ ऐसी सी बातें करता था। तो मैं उसको थोड़ा कड़े रूपों में बोल देती थी। तो दादी मुझे बुलाती थी, कहा देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहती थी दादी आप देखो ना, ये करता क्या है, आश्रम है, कोई नियम मर्यादा है। तो कहें उसको प्यार से बोलो, क्योंकि उसको आप ऐसे बोलेंगे तो कभी उसके मन को ठेस लगेगी, इंसल्ट फील करेगा, यही बात प्यार से समझाओ। तो आने दो, बाबा का बच्चा है। तो हम कहते दादी किस काम का बच्चा है, टाइम बे टाइम आता है ना, इसके तन का सहयोग है, ना मन का सहयोग है, ना बुद्धि का सहयोग है, ना धन का सहयोग है। तो दादी मुझे समझाती थी नहीं, ये ना देखो कि चारों प्रकार का सहयोग नहीं है। कभी कभी एक समय ऐसा आता है जब खोटे सिक्के भी काम में आते हैं। तो मैं कहती दादी ये खोटा सिक्का क्या करेगा, किस बात से काम में आएगा, वे काम तो इन्हीं चार चीज़ों से लिया जाता है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से कोई एडवाइस करे, तो इसका तो चारों प्रकार का सहयोग नहीं है। कहा नहीं, बाबा के घर पे आता है, बाबा के दर पे आता है, प्रेम से बात करो, व्यवहार करो, फिर दादी भाई के खोटे सिक्के काम में आते हैं, समय पर आएगा। मैंने कहा ठीक है, वो भी समय देखूँगी कब आएगा। तो जब ये 84 का दंगा हुआ, 1984 का, जब अपनी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो आप सबको पता है कि देश का माहौल कैसा था, कर्फ्यू लगा था, अपना आश्रम भी उसी में जल गया था। तो हम लोग तो दूसरी जगह थे, एक होटल के अंदर वो लोग ले गए थे, मुझे 5 बहनें थी, तो वो लोग ले गए, हमें ठिकाना तो दिया, अपने यहाँ रखा, लेकिन भोजन वस्त्र हमारे पास तो पेस्ट ब्रश रुमाल तक भी नहीं बचा था। तो वो भाई फिर डिफेंस में हो, और कोई हमें मदद भी नहीं कर सकता था, कर्फ्यू बहुत ज़बरदस्त था, मिलिट्री को ऑर्डर था कि किसी को देखो तो सीधा गोली मार दो, कोई सड़क पे आया कैसे। तो अभी हमारे को कौन मदद करे, फ़ोन तो सभी करें कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, भोजन बना के भेजना चाहते हैं, परंतु कैसे, निकल नहीं सकते। तो वो जो डिफेंस वाला भाई जिसको दादी कहते थे कि कभी खोटा सिक्का काम में आएगा, तो उसके पास तो डिफेंस का आईडी कार्ड था, तो गले में पहन करके आ जाता था साइकिल लेके। दादी कोई सेवा बताओ, कोई काम बताओ कि उसको, उसको तो कोई रोक नहीं सकता था डिफेंस वाले को। तो यही कहता था अच्छा, तो वो क्या करता था, नीम के पेड़ से दातून तोड़ के लाता था, अभी ये करो, अपने डिफेंस के कैंटीन से दूध का पैकेट ले आता था, कहीं से कुछ ले आता था, तो ऐसे ला ला के वो चीज़ें देता था। और सेंटर से या अपने जो अनन्य भाई बहन हैं, जैसे संतराम जी थे, सभी तो जो गुप्ता जी, अनिल भाई, अशोक भाई के यहाँ से जब भोजन बनाते थे तो लेने वही जाता था टिफिन। इस तरह करीब 10-15 दिन जब तक कड़ा कर्फ्यू था, तब तक उसी ने ये सब काम किया। तो दादी कहे देखा आज खोटा सिक्का काम में आ रहा है। कोई भी चाह के, जिनको तुम मंच पे बिठाती थी, जिनको तुम टेबल पर खाना देती थी, जिनको सम्मान देती थी, आज वो चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मजबूर हैं।
और जिसको तुम दो शब्द कहती थी आज देखो काम में आ रहा। तो तब से ले करके मुझे भी लगा कि कोई भी हो कैसा भी हो तो वो बाबा का बच्चा है, उसको भी प्यार देना है, सम्मान देना है। तब से मेरी जो है ना दृष्टि बदल गई। मेरे को लगा नहीं छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो गरीब हो शौकार हो, तो मना गंगे दादी की इतनी दूर दृष्टि दूरादेशी कि कभी भी किसी समय पर यही काम आएगा। बड़े विश्वास के साथ कहती थी, बड़ी गारंटी से कहती थी कि देखना एक दिन आपको काम में आएगा। तो इस तरह लगा कि नहीं कभी भी कोई भी जैसा भी बाबा का बच्चा है बाबा के घर में आता है सबको पूरा सम्मान देना है। दादी जी यहाँ तक कहते थे कोई रिक्शा वाला आया किसी के गाड़ी का ड्राइवर आया उसको भी उतने ही सम्मान से भोग देना है। उसको लगे कि मुझे यहाँ प्यार और सम्मान मिला तो वो देखना हमेशा के लिए उसको यहाँ के लिए प्यार हो जाएगा। तो ये देखा कि दादी कहते थे नहीं देखो उसको ड्राइवर समझ के मत दो, रिक्शा वाला समझ के मत दो, उसको एक आत्मा समझ के उसकी सेवा करो। तो इस तरह दादी ने ये भी सिखाया कि उसके वर्तमान गरीबी या पोजीशन पोस्ट को नहीं देखना है, उसको उसकी तरह उसको सम्मान से पानी भी देना है तो सम्मान से प्यार से उसको पानी देना है। तो दादी जी के अंदर ये बहुत दिल में होता था।